अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्ज। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था एक्सेलरेटेड चार्जेस की वजह से। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। इन दिस डेरिवेशन वी विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्जेस बाय यूजिंग द लिनर्ड विचर्ड वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें जो है वो हम तो बेसिकली हम दोनों का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक्सेलरेटेड चार्जेस की वजह से, और इस्तेमाल किसको करेंगे, लिनियर विचर्ड पोटेंशियल्स को इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास एक वेक्टर होगा और एक स्केलर होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सिंस द लिनियर विचर्ड वेक्टर पोटेंशियल इज गिवन बाय, हम जानते हैं कि जो लिनियर विचर्ड वेक्टर पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है, ठीक है इसको, ठीक है। तो आगे देखें, सिंस वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड दिस वेक्टर पोटेंशियल आर रिलेटेड, हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर पोटेंशियल का जो आपस में रिलेशन होता है वो ये वाला रिलेशन होता है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे इसकी जगह आप इसकी जो है वो वैल्यू को रिप्लेस कर देना, ठीक है। वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगी, ठीक है। मेक सब्सटीट्यूशन करते हैं जी हम यहाँ पे, ठीक है। आर टी डबल डैश बराबर आ जाएगा, टी डैश इंटू माइनस इंटू टी माइनस आर ओवर सी के बराबर आ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर टी डी ओवर डी डैश इंटू डबल टी डैश किसके बराबर आ जाएगा, एस आई के बराबर आ जाएगी। आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। इसको पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इसके अंदर हमने इसको पुट कर देना, ठीक है। ये आपके पास टी डबल डैश आ रहा है, तो उसकी जगह पर यहाँ पर देखिए मैंने जो वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, सो इसको जब हम नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि ये वाली डेरिवेशन आप लोगों ने देख लेनी है, तो यहाँ ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की थी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जी, हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी इसके ऊपर लगा देनी, और इसको जब ड्राइव करेंगे तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी, ठीक है। अब देखें आगे क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्ज, अब किसी भी एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। सो टेक क्रॉस प्रोडक्ट विद एन ऑन बोथ साइड, अब एन के लिहाज से दोनों तरफ क्या ले लेनी है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, द टर्म हैविंग एन क्रॉस एन गोज़ टू जीरो, अब हम जानते हैं कि आपस में कोई से दो वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो जीरो के बराबर होती है, तो यहाँ से हम इसको जीरो के इक्वल ले लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी, इसको पुट कर देना इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना, ठीक है। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 कहाँ थी, ये थी, ठीक है। सो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो आगे ये वाली इसकी जो है वो सिंपल डेरिवेशन है, इसको आपने देख लेना। तो यहाँ से जो है वो हमारे पास देखें, जो बी है वो किसके बराबर आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा बी आई प्लस बी आर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। सो ये है क्या, इसमें जो बी आई क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, इस चीज़ के बराबर होता है, और इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो बी आई की ये वाली फॉर्म होगी। और इसमें जो बी आर था वो क्या था, रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड थी, और इसका जो सिंप्लीफाई जो फार्मूला था वो इस चीज़ के, और इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्जेस बाय यूजिंग लिनियर विचर्ड वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपने देख लेनी है, ठीक है। ये वाली डेरिवेशन है, इसमें भी थोड़ी सी, ठीक है, तो इसको आपने देख लेना, डेरिवेशन को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस इसको ध्यान से स्टेप वाइज इसकी कैलकुलेशन देख लेनी है, तो हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।